नमस्कार आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कन्नौज जिले के छिबरामऊ क्षेत्र में वाल्मीकि जयंती के नाम पर निकाली गई झांकी में कोतवाली छिबरामऊ के सामने ही जमकर फूहड़ अश्लील डांस हुआ और पुलिस विभाग का दरोगा ये सब देखता रहा। बताया जा रहा है कि आयोजकों के द्वारा अश्लील डांस करवाया गया और खुलेआम सरेराह ये फूहड़ अश्लील डांस होता रहा। कोतवाल के ठीक सामने जब ये डांस हो रहा था तब स्कूली बच्चियां अपने विद्यालय जा रही थी। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या इन बच्चियों की मानसिकता पर इसका बुरा असर पड़ेगा या नहीं। बच्चियां ऐसा डांस देखने के लिए सर तक नहीं उठा पा रही थी। वहीं कन्नौज पुलिस ने कैसे इस अश्लील फूहड़ डांस की इजाज़त दे दी। छिबरामऊ में पहले भी कई धार्मिक कार्यक्रमों में अश्लील डांस की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस बार कन्नौज पुलिस समाज को शर्मसार करने वाली तस्वीर दिन में ही दिखा दी। वही अब मामले में कोई भी आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आज भगवान महेश वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि समाज के लोग मनाते हैं और हर वर्ष मैं अपनी दुकान पर नगर के समस्त बाल्मीकियों का सम्मान अपनी दुकान में व्यवस्था नाश्ता या चाय जो भी होती है बन सकती सारे समुदाय के लोगों कराने का काम करते हैं और हमारे समाजवादी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि जितने समाज के बाल्मीकि समाज के लोग उस यात्रा में आते हैं उनका स्वागत सम्मान हो जाए और वाल्मीकि जयंती जो महेश वाल्मीकि सभी हमारे लोग हमारे मोहल्ले के कई लोगों ने अमित साख हैं और हमारे विनोद प्रधान बहादुरपुर जायद भाई सूरज सिंह मेजर सिंह इन सारे लोगों ने है महेश वाल्मीकि की जयंती पे भगवान पर जो है माला पहना और उनका स्वागत किया। उनकी शोभा यात्रा में हम लोगों ने सहयोग करने का काम किया। कौन कौन समुदाय सहयोग रहा? अब हमारे यहाँ तो दो तीन समुदाय के लोग थे, जैसे यादव समाज के लोग थे, मुस्लिम समाज के लोग थे, साख समाज के लोगों ने कुछ ऐसी में जाटा समाज के लोग थे। इस यात्रा का सब लोग बच्चों के स्वागत किया। कार्यक्रम है ये चल रहा है, क्या कार्यक्रम? ये कार्यक्रम आज वाल्मीकि जयंती महाराष्ट्र वाल्मीकि जी की जयंती थी, उसमें हम लोगों ने वाल्मीकि समाज के लोगों ने सबके सहयोग सभी वाल्मीकि छिबरामऊ नगर के वाल्मीकि समाज के व्यक्ति हैं नौजवान युवा बुजुर्ग सभी ने चंदा करके वाल्मीकि की शोभा यात्रा निकाली पश्चिमी बाईपास होते हुए बीच बाजार से कालक देवी मंदिर से होते हुए कस्सा मान मंदिर पर इसका समापन करेंगे। क्या खास विशेषता रही इसमें? विशेषता क्या, एक तो समाज को जागरूकता करने के लिए कि हमारे भी कोई पूजनीय वाल्मीकि जी थे, इस वजह से ये विशेषता है। पहले लोग इसे मनाते नहीं थे, जानते नहीं थे, अब जो नई पीढ़ी हुई है वो पढ़ लिख रही है तो जानती है कि वाल्मीकि जी हमारे समाज कल्याण करते थे, तो उनके लिए कार्यक्रम रखा जाता है हर साल मनाते हैं। कौन कौन समुदाय साथ दिया इसमें? इसमें सभी समुदायों ने साथ दिया, हर जात हर वर्ग लोगों ने जगह जगह वाल्मीकि जी पे मालार्पण किए, समाज के अध्यक्ष और जो सदस्य करते उनका स्वागत किया, मालार्पण डाल के लोगों ने हर तरीके से स्वागत किया। कितनी तादाद में भीड़ रही है? भीड़ जाना जाना तादाद वही, सभी लोगों ने सहयोग किया, समाज के साथ साथ अन्य वर्ग के भी लोग थे, सभी ने भरपूर सहयोग किया इसमें हर पार्टी के। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।